डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड पे लागू होता है एंड बेस्ड ऑन, और ये बेस्ड है बेस्ड ऑन, और दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इट इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट बेस पेयरिंग, कांस्टेंट बेस पेयरिंग पर है एक बात। दूसरी कांस्टेंट बेस पेयरिंग क्या चीज थी भाई, कांस्टेंट बेस पेयरिंग क्या चीज थी? तो आपको पता है कि कांस्टेंट बेस पेयरिंग का मतलब एडेनिन ऑलवेज जॉइंस विद थायमिन, ग्वानिन ऑलवेज जॉइंस विद साइटोसिन, या ये भी कह सकते थे प्यूरीन ऑलवेज जॉइंस विद द पिरिमिडिन्स। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशंस आर इक्वल बट नॉट, और मोलर कंसंट्रेशंस इक्वल हैं बट नॉट ग्राम वेट। मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आप ये कहें कि आपका एक बैच है और बैच ए है, दूसरा एक बैच है बैच बी, और इसमें कुल 5 स्टूडेंट्स हैं और इसमें भी 5 स्टूडेंट्स हैं, और ये हमारी बात को क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि गाइड्स में सवाल दिए हैं, ऐसे मजबूरी में हमें करना पड़ जाता है, बात अलग है। ये 5 स्टूडेंट्स इस बैच में हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, बताइए दोनों तरफ नंबर सेम है, बोलिए। यस सर। क्या मैं कह दूं कि दोनों तरफ का, दोनों पांचों स्टूडेंट्स का जो वेट होगा दोनों तरफ इक्वल होगा? बोलिए, नंबर तो इक्वल हो सकता है लेकिन वेट इक्वल नहीं हो सकता, के चांस नहीं, अरे किसी का वेट ज्यादा हो किसी का वेट कम, बोलिए। यस सर। तो नंबर हो सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एडेनिन और थायमिन का नंबर बराबर है या एडेनिन थायमिन का वेट बराबर होगा? आप कहते हैं ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, ये प्यूरीन है, ये पिरिमिडीन है, बोलो भाई। तो अब मुझे बताइए, अगर दोनों के नंबर सेम हुए तो दोनों के ग्राम वेट कभी सेम नहीं हो सकते, बोलिए। ग्राम वेट सेम नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? ग्राम वेट सेम क्यों नहीं हो सकते भाई? क्यों? क्योंकि दोनों का साइज छोटा बड़ा है, दोनों का साइज क्या होता है, छोटा बड़ा। आप जरा देखो, मुझे बताओ कि ये बताइए कि जब हम जो है क्या कहते हैं कि जब हम ठेले से फल लेते हैं, तो मान लो हम एप्पल खरीदें तो ये तोल के मिलता है चाहे छोटा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन जब मैं बनाना खरीदता हूँ तो ये नंबर में मिलता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ठेले पे से बनाना जब लें तो बड़ा बड़ा वाला लें, बोलिए सही कह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर वेट बराबर होगा तो नंबर बराबर नहीं हो सकता, और अगर नंबर बराबर होगा तो वेट बराबर नहीं हो सकता। तो ये बताइए, जब मैं कहता हूँ एडेनिन जितना उतना थायमिन, क्या नंबर या ग्राम वैल्यू? नंबर। और आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, कि नंबर को ही आप मोल कहते हैं, याद है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोल। तो ये बताइए, दोनों का मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होगा कि दोनों की ग्राम वैल्यूज इक्वल होंगी? क्लियर कर देते हैं, दोनों का मोलर कंसंट्रेशन
आप लिखते कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और ये जो रूल है अकॉर्डिंग टू दिस रूल है। अब जरा मैं यहाँ बना रहा हूँ एक डीएनए। आपने कहा था कि अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड हुआ तो एडेनिन थाइमिन से ग्वानिन साइटोसिन से ग्वानिन साइटोसिन से ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। बताइए इसमें एडेनिन थाइमिन के बराबर है कि नहीं? जितना एडेनिन उतना थाइमिन, बोलिए। लेकिन फिर से बता देते हैं, दोनों का ग्राम वैल्यू इक्वल है या दोनों का क्या कहते हैं कि ग्राम वैल्यू इक्वल है या दोनों का जो है मोलर कंसंट्रेशन इक्वल है? दोनों का मोलर कंसंट्रेशन इक्वल है। और यह है, ये बताइए ग्वानिन किसके बराबर है? साइटोसिन के। ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, क्लियर है। और यह है, तो एक बात बताइए, अगर यही डीएनए, अगर यही डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता तो क्या तब भी ये रूल लागू होता? नो सर, रूल लागू होता। तो ये बताइए ये रूल कब लागू होगा? जब पेयरिंग होगी। ये रूल कब लागू होगा? जब पेयरिंग होगी। पेयरिंग को ही, और पेयरिंग में भी कैसी पेयरिंग होनी चाहिए? कॉन्स्टेंट बेस पेयरिंग होनी चाहिए। बोलिए, कॉन्स्टेंट बेस पेयरिंग होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन? तो दो बातों पे है, देखिए, एक है कॉन्स्टेंट बेस पेयरिंग, एक है कॉन्स्टेंट बेस पेयरिंग, एक है मोलर कंसंट्रेशन, एक है ग्राम वेट। ग्राम वेट से कोई लेना देना नहीं है। मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होगा लेकिन तभी जब, और कॉन्स्टेंट बेस पेयरिंग, कॉन्स्टेंट बेस पेयरिंग। यहाँ जरा मेरा एक पॉइंट और बता देते हैं, अगर अगर एडेनिन एंड थायमिन पेयरिंग, एडेनिन एंड थायमिन पेयरिंग इज नॉट कॉन्स्टेंट, माने एडेनिन और थायमिन की पेयरिंग कॉन्स्टेंट ना हुई तो, कॉन्स्टेंट ना हुई तो क्या होगा? एडेनिन जुड़ जाएगा ग्वानिन से, ये साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, देन क्या एडेनिन का नंबर थायमिन के बराबर है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि एडेनिन ने वो रूल ही फॉलो नहीं किया। क्या ग्वानिन का नंबर साइटोसिन के बराबर है? नहीं। देखिए गिनिए, एक दो तीन चार ग्वानिन हो गए, एक दो तीन साइटोसिन हो गए। तो आप कहोगे देन चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल, देन चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। बताइए चारगाफ रूल कब कब लागू नहीं होगा? जल्दी से बता देते हैं। जब सिंगल स्टैंडर्ड में और कांस्टेंट ना, जब ये सिंगल स्टैंडर्ड हो या कांस्टेंट बेस पेयरिंग के नियमों का पालन ना हो रहा हो, तब दोनों जगह, दोनों में क्या हो जाएगा? तो ये लागू नहीं होगा। अभी ये क्वेश्चन मैं आपसे क्वेश्चन करके पूछूंगा। चलिए अब फिर से बताइए, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग पह बताइए, एडेनिन इज इक्वल टू द थायमिन, ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन। जरा दोनों को जोड़ देते, एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन प्लस थायमिन, क्या सही लिखा है? बोलो भाई। यस सर, यस सर। एडेनिन पर मैं इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, प्यूरिन्स इज इक्वल टू द पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स इज इक्वल टू द पिरिमिडिन्स। बोलो भाई। यस सर, बोलिए। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन बताइए। ये एक डीएनए है, ये डीएनए है 500 बेस पेयर्स का डीएनए है, 500 बेस पेयर्स का, और इसमें से 500 बेस पेयर्स का है,
300 मॉलिक्यूल एडेनिन के हैं, 300 मॉलिक्यूल एडेनिन के हैं, तो हमें बताइए ग्वानिन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा, थाइमिन कितना होगा, बोलिए सर। ग्वानिन 200 और साइटोसिन 200, थाइमिन 300। एक बात तो तय है, थाइमिन विल बी 300। क्यों भाई? जितना एडेनिन उतना ही क्या थाइमिन। और अच्छा, कुल बेसिस कितने हैं? 500 बेसिस। 500 या 1000 बेसिस हो गए ना। अरे ये पेयर में लिखा है ना? यस सर। तो 1000 हो जाएंगे। तो अब बताइए ये कितना हो गया, 300। तो अब दो फॉर्मूला लगाइए, क्या एडेनिन प्लस ग्वानिन कितना होना चाहिए, 500। साइटोसिन प्लस थाइमिन कितना होना चाहिए, 500। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन कितना होना चाहिए, 500। एडेनिन कितना है, 300। ग्वानिन कितना हो जाएगा, 200। बोलो भाई, नहीं समझ में आ रही बात? सर आ रही है। अच्छा, और साइटोसिन कितना होगा, जितना ग्वानिन उतना ही साइटोसिन। क्लियर है भाई? यस सर। क्या कहते हैं ये अमन? यस सर। क्लियर है ये बात? नहीं हाँ सर। ईशा? ईशा यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए हिमांशु, हिमांशु ये आशीष नया मोबाइल लेके कहाँ गायब हो गया है? आशीष ने नया मोबाइल खरीदा था, शायद यूट्यूब पे से ज्वाइन कर लेता है। अच्छा, यूट्यूब वालों से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, कल से मैं यूट्यूब पे बंद कर दूंगा अपना। और ये तो सुनिए, मैं ये कह रहा था एडेनिन थायमिन ये इक्वल हो गया। हिमांश एक सवाल थोड़ा पुराना बताइएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, कोई बता पाएगा क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? आप हमें कह सकते थे 500 पेयर हैं। बोलिए भाई, बोलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कुछ तो बताओ। अगर सारे के सारे एडेनिन थाइमिन होते तो कितना होता, 1000। अगर सारे के सारे ग्वानिन साइटोसिन होते तो, ग्वानिन साइटोसिन होते तो कितना हो जाता, 1500। अरे भाई, ग्वानिन साइटोसिन में तीन तीन, एडेनिन थाइमिन में दो 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 दो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये तो और ये आंसर हो नहीं सकता, इसी के बीच क्या कोई आंसर आएगा? कितना बताया इसने? 1300। कैसे निकला? 1200। अब मैं देखता हूँ कैसे निकला। 1200। ये बताइए एडेनिन एंड थाइमिन के कितने जोड़े हैं, एडेनिन एंड थाइमिन के कितने जोड़े हैं, यहाँ देख के बताइए। एडेनिन एंड थाइमिन के 300, तो 300 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, 600। ग्वानिन और साइटोसिन के कितने जोड़े हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन के 200, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितने आ जाएंगे, 6। दोनों को एड ऑन कर दें कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 1200 बॉन्ड्स। ओके, तो इसका मतलब चारगाफ रूल से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करने पड़ सकते हैं। क्लियर है ना? चलो एक पॉइंट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का। ये मेरे पास एक डीएनए है, ये मेरे पास एक डीएनए है, और ये डीएनए है 900 बेस पेयर्स का डीएनए है। कितना है, 900 बेस पेयर्स। जल्दी से बताइए, मैं आगे कुछ ना कहूं तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिनिमम 1800। बोलो भाई। यस सर। मिनिमम कितने, 1800। मैक्सिमम कितने, 2700। इन्हीं के बीच का कुछ होना चाहिए। आप क्लियर है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड अभी आपसे बाद में कैलकुलेट करवाऊंगा।
पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऑन दे दूं और आप ये बताइए इफ एडेनिन इज 500 देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ प्यूरिन्स का नंबर कितना होगा बताइए भाई कुछ कैलकुलेट करके बोलिए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्यूरिन्स 900 आपको अब तक बोल देना चाहिए था अरे प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स आर इक्वल 900 होंगे इसमें कैलकुलेशन क्या करना था प्यूरिन्स 900 बेस पेयर्स हैं यानी 900 प्यूरिन्स 900 क्या पिरिमिडिन्स बोलो भाई हिमांशु यस सर क्लियर है यस सर तो 900 अरे भाई 900 हैं तो 900 प्यूरिन्स 900 क्या पिरिमिडिन्स तो इसमें कुछ आंसर करने लायक था ही नहीं चलो एक दूसरी बात बताओ व्हाट विल बी द ग्वानिन एंड व्हाट विल बी द साइटोसिन व्हाट विल बी द क्या कहते हैं थायमिन तो इतना तो हम जानते हैं जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा थायमिन और जो बच गया उसमें से आधा आधा अच्छा एडेनिन प्लस ग्वानिन कितना 900 यस सर एडेनिन प्लस ग्वानिन कितना 900 900 हो गया तो बताइए ग्वानिन कितना हो जाएगा 400 अरे भाई एडेनिन कितना है 500 ना तो इस तरह से ये है बताइए साइटोसिन कितना होगा 400 इतना चलो हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ एडेनिन थायमिन कितने हैं 500 इनटू 2 इज इक्वल टू द 1000 2200 ग्वानिन साइटोसिन कितने हैं 400 इनटू 3 कितना हो जाएगा 1200 दोनों को ऐड ऑन करो 2200 अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए ये जो है बात आप कल को अब कोई पूछे तो आप कैलकुलेट कर लोगे ना यस सर बोलिए यस तो दिस इज ये कैलकुलेशन आपने कर लिए और ये चलिए दो थोड़ा से इस बार यहाँ जो मैंने लिखा था इस वाले पॉइंट को थोड़ा रिपीट करते हैं फिर से अकॉर्डिंग टू चारगॉफ रूल ये जो चारगॉफ रूल है इसके अकॉर्डिंग एडेनिन इज इक्वल टू द थायमिन ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन प्लस थायमिन जब आप इतनी मैथ लगा ही रहे हैं तो थोड़ा और लगाइए एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू द 1 बोलिए सही लिखा यस सर यस जब इक्वल है तो दोनों का रेशियो क्या आएगा 1 या एक और बात लिख सकते हैं एडेनिन प्लस साइटोसिन अपॉन ग्वानिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू द 1 ये 1 कैसे हुआ भाई आप कहोगे ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन है आपने इक्वल डिजिट्स को रिप्लेस कर दिया ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल होते हैं दोनों को मैंने एक जगह से रिप्लेस कर दिया तो रेशियो क्या आएगा वही आ जाएगा यस सर बोलिए यस सर क्या एक काम और कर सकते हैं एडेनिन प्लस थायमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू द 1 बोलिए हिमांशु आफ्रा बोलो भाई सही है यस कोई नहीं यस सर सही है यस सर स्नेहा कुछ धीरे धीरे कह रहे हो आप सही है ये सही नहीं है ये सही नहीं है ये सही नहीं है जरा देख लेते हैं ये इस सवाल में जरा बताइए क्या है इस क्वेश्चन में बताइएगा
adenine plus thymine upon guanine plus cytosine. Adenine कितना है? 500. Thymine कितना है? 500. 500 plus 500 upon 400 plus 400. कितना आ गया भाई? 1000 upon 800. क्या ये 1 आएगा? No, sir. 1 आएगा? No, sir. क्या ये चारगाफ रूल का पार्ट है? No, sir. ये चारगाफ रूल का पार्ट नहीं है. It is not part of चारगाफ रूल. ये चारगाफ रूल का पार्ट नहीं है. क्लियर ना? तो यहाँ क्या लिखूं? यहाँ लिखो, it cannot be explained by चारगाफ रूल. Explained by चारगाफ रूल. और मैंने कल आपको लिखाया था, चारगाफ रूल से ये एक्सप्लेन नहीं होगा. एंड और एक बात लिखाई थी, एंड कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज, याद आया? कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज ह्यूमन बीइंग के लिए कितना था? 1.53. ईकोलाई के लिए कितना था? 0.93. गधों के लिए कितना था? 1.48. मटर के लिए कितना था? 1.62. 1.52. तो ऐसा ना हो भावनाओं में बह के कह दें ये भी चारगाफ रूल है. ये चारगाफ रूल नहीं है. बोलिए, ये चारगाफ रूल नहीं है. चारगाफ रूल नहीं है. ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए. तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि ये चारगाफ रूल नहीं है. चलिए मुझे एक सवाल बताइएगा, जल्दी से बताइएगा. और ये बताइए कि चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल. चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल. नॉट पूछा है, ध्यान रखे. नॉट एप्लीकेबल ऑन, पहला ऑप्शन दिया आरएनए, दूसरा ऑप्शन दिया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तीसरा ऑप्शन दिया बोथ, चौथा ऑप्शन नन. क्या करोगे? आरएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड होता, और अगर कभी डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हुआ तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? नहीं. ओके ना, क्लियर है. चलिए, तब मुझे तीन सवाल जल्दी बताइएगा. तीन क्वेश्चन. संस्कृति, आप मुझे जल्दी से तीन सवाल बताइएगा. पहला, आप लिखे ए डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व्ड एंड एजी अपॉन सीटी रेशियो इज 1.71. देन आप मुझे बताइए क्या. देन पहली बात बताइए, क्या आंसर करोगे भाई? बोलिए. आपको मैं आंसर देने को कहूं, एजी अपॉन सीटी रेशियो आना क्या चाहिए था बता देते. एजी अपॉन सीटी रेशियो क्या आना चाहिए? तो ये आना चाहिए ना. ऐसन बोलो भाई, वन आना चाहिए. ये बताइए, एजी अपॉन सीटी रेशियो 1.71 आ गया, तो ये तो चारगाफ के नियमों का उल्लंघन हो गया. यस सर, वायलेशन हो गया. तो क्या रीजन बताओगे आप? सिंगल स्टैंडर्ड, सो कांस्टेंट डिस्पेयरिंग. हाँ, मतलब, अरे नहीं, सबसे पहले आप कहिए कि ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग. पहला आंसर है ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग. अच्छा, मान लो कोई टीचर आपको कोई न्यूमेरिकल दे और आप लगा ना पाओ, गलत आंसर आ जाए, तो पहले टीचर यही कहता है एक बार चेक करो, देखो क्या है.
ये पहले ही कह देते सवाल गलत है, चेक कराते पहले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। आप कहोगे इतना भरोसा, हाँ हमें डीएनए मॉलिक्यूल पे भरोसा है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, हमें चार गाफ रूल पे भरोसा है कि ये क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमसे, हमारा पहला आंसर क्या होगा बोलिए, ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, राइट ना, ये गलती हुई है और ये हमारा पहला आंसर होगा। चलिए एक और बात है, ए डीएनए मॉलिक्यूल इज एक्यूरेटली ऑब्जर्व्ड एंड एजी अपॉन सीटी रेशियो इज 1.71। देन अब बताओ क्या होगा, अब भी कहोगे गलत है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा पूरी तरीके से। यस, अब आप कह चुके हैं कि एक्यूरेटली ऑब्जर्व्ड, यानी आप एकदम सही सही देख रहे हैं, तब आप नहीं कह सकते ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डीएनए कैसा होगा, यानी पहले तो मुझे पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने कह दिया एक बार चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं हुई, फिर मैंने कहा नहीं सही सही ऑब्जर्व किया है, तो बताइए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, आंसर एकदम क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन है, a double stranded DNA is observed accurately and AG upon CT ratio is 1.71, then अब बताओ क्या होगा। देखे कॉन्स्टेंट बेस पेयर, पहला आंसर मैंने दिया सिंगल स्टैंडर्ड, दूसरा आंसर दिया कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रॉन्ग। आप कहोगे क्वेश्चन ये दोनों आंसर्स को अलाउ नहीं करता, क्यों अलाउ नहीं करता, दिया ही है सवाल में डबल स्टैंडर्ड और ये भी दिया है कि बढ़िया से देख के बताया, तो अब बताइए तीसरा आंसर क्या हो सकता है। कॉन्स्टेंट बेस पेयरिंग इज वायलेटेड। भाई अगर नियम टूटा है तो कोई ना कोई गड़बड़ी तो हुई होगी, क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है बोलिए, क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। हेलो, यस सर, पहली गड़बड़ी क्या हो सकती है, ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग। दूसरी गड़बड़ी क्या हो सकती है, इट मे बी अ सिंगल स्टैंडर्ड। तीसरी गड़बड़ी क्या हो सकती है, कांस्टेंट बेस पेयरिंग इज वायलेटेड, कांस्टेंट बेस पेयरिंग का नियम ही और वायलेट हो गया हो, तब कोई बात ही नहीं है, या नहीं तो वायलेट हो गया हो और इस तरह से। अब आप इम्पोर्टेंट बात कांस्टेंट बेस पेयरिंग के साथ है, और ये चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट बेस पेयरिंग के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, और ये चलिए तो चारगाफ रूल समझ में आ गया आपको। यस सर। अब आप डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। डीएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन का रेशियो निकाल लेंगे। यस सर। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कैलकुलेट कर लेंगे, चारगाफ रूल भी एप्लीकेबल। ये बताइए आरएनए पे चारगाफ रूल लागू होता है नहीं होता? नो सर। क्यों? नो सर, सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, तो चारगाफ रूल का मामला ठीक हो गया। अब सवाल ये उठता है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि दैट इज, ध्यान से सुनिएगा, एक है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा, एक है, अभी बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, अभी बात बहुत सारी करनी बाकी है। सेंट्रल डॉगमा होता क्या है, और इट इज
कॉल्ड है, इसे कहते क्या है, इट इज कॉल्ड है, और इसे कहा क्या जाता है, जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है, इट इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन और इंटरनल पाथवे फॉर फ्लो ऑफ मैसेज। हमारी जो आपसे डिस्कशन हुआ, अभी मैं सेंट्रल डॉग्मा में डिटेल में बात करूंगा, हमारा जो आपसे डिस्कशन हुआ था, ध्यान से सुनिए, हमारा आपका डिस्कशन हुआ था, ये डीएनए है और ये डीएनए सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये आरएनए को देता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है। सारे काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन सारे काम कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए। लेकिन काम करने का संदेश किसके पास है? डीएनए। तो डीएनए अपना संदेश किसको देता है? आरएनए को। फिर आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, तब वर्क डन होता है। तो डीएनए को हम लोग कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? डीएनए इज कॉल्ड जीन, तो जीन कहते हैं। तो ये डीएनए इज कॉल्ड जीन और जीन कहते हैं। फिर ये क्या बनाएगा? आरएनए। फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। तो ये बताइए, ये जो प्रोटीन बनी है किसके अकॉर्डिंग बनी है? डीएनए के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बनी है? जीन के अकॉर्डिंग बनी है। किसके अकॉर्डिंग बनी है? जीन के अकॉर्डिंग। और जीन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो इस पूरी घटना को क्या कहा गया? जीन एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। जैसे जब मैं तैयारी कर रहे बच्चों से पूछता हूँ, तो 90% स्टूडेंट्स क्यों भाई डॉक्टर बनना चाहते हो, तो 90% स्टूडेंट्स कहते हैं पिताजी की इच्छा है। कोई ये नहीं कहता हमारी इच्छा है, पिताजी की इच्छा है, तो इस तरह से ये जो है डॉक्टर बनना है। तो इसका मतलब आपकी कोई इच्छा नहीं है, ये तो पिताजी की इच्छा है जिसका आप पालन कर रहे हैं। बोलिए, पालन कर रहे हैं। तो हम इसको किस तरह से देखें, बोलिए कि ये है जीन और इस जीन का एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इसी को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। अब एक्चुअली हम इतना बताने के बाद ये है, और यहाँ एक लाइन लिखना चाहते हैं कि डीएनए इज ए वेरी लार्ज साइज मॉलिक्यूल इन लेंथ में, लंबाई में बहुत लंबा सा मॉलिक्यूल है, देन तो आप लिखे, then it is packed, or wrapped, इसको रैपर में लपेट के रखेंगे, और wrapped in a small structure। आप खुद ही बताइए, अगर आपको मान लीजिए एक बड़ी सी शीट बना के हम दे दें, तो आप क्या करोगे, आप उसका क्या करोगे, लपेट के तह करके तब बैग में रखोगे, ऐसे लिए थोड़ी टहलोगे। तो इस तरह से ये है, तो इट इज ए रैप्ड इनटू स्मॉल स्ट्रक्चर में रैप्ड होता है। एंड और एक बात इम्पोर्टेंट, एंड आफ्टर पैकेजिंग, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, आफ्टर पैकेजिंग it will not form RNA, that is
ये आरएनए नहीं बनाएगा, दैट इज नो जीन एक्सप्रेशन, दैट इज ए नो जीन एक्सप्रेशन। मान लो आप एक नया मोबाइल खरीदे, एक नया मोबाइल खरीदे और उसको फिर डिब्बे में पैक करके रख दें, तो कोई फायदा हुआ क्या? जीन एक्सप्रेशन हुआ क्या? बोलिए। नो सर, नहीं हुआ ना। बोलिए मोनिका, जीन एक्सप्रेशन हुआ नहीं हुआ ना? तो मेरे लगता है कि डीएनए जब ओपन होगा तब उस समय आरएनए बनाएगा, और अगर इसी डीएनए को तब प्रोटीन बनेगी, तब क्या होगा? जीन एक्सप्रेशन। जैसे आप लोगों के साथ है, आप लोग अपना दिमाग एकदम सुरक्षित रखे हुए हो, तो जब दिमाग सुरक्षित रखे हुए लगाए हो तो सवाल आपसे सॉल्व होगा क्या? नो सर। हाँ, तो जब आपने पैक करके रखा है, ऑब्वियस है। अच्छा, दिमाग नाजुक चीज है, रिपेयरिंग भी नहीं होती है, अच्छा है पैक करके रखते हैं, है या नहीं? ऐसा ना हो कि कहीं झटका लग जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो बढ़िया है, उसको रखना चाहिए। थियरी अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल गड़बड़ है, तो प्रैक्टिकल। तो डीएनए जब पैक कर देंगे तो उस समय आरएनए बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा? बोलिए। नहीं बनाएगा सर, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। ओके ना, नहीं बनाएगा। तो अब मैं यहाँ पे, और डीएनए, डीएनए इज पैक्ड विद हिस्टोन प्रोटीन। याद आ गया होगा आपको, डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए? कुछ चीजें लिख रहा हूँ, थोड़ा क्लास 11 से ले रहा हूँ, क्लास 11 से थोड़ा ले रहा हूँ। हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए को लपेट के आपने पैक कर दिया। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, और ये सारी क्वेश्चंस करके आपसे पूछे गए हैं, सबके सब क्वेश्चंस करके पूछे गए, जिसको कहीं से इकट्ठा करके मैं आपके पास ला रहा हूँ, राइट ना? ये पूरा का पूरा है। और हिस्टोन प्रोटीन इनहिबिट्स आरएनए सिंथेसिस नहीं होने देता। सही या गलत? सही है, सही है, सही है ना? आप बोलिए मोनिका, क्या कहना चाह रहा हूँ? जब डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के साथ लपेट दिया, तो आपको लगता है कि डीएनए अब आरएनए बना पाएगा? बोलिए। नो सर। दूसरी बात है, अगर मान लो डीएनए को आरएनए बनाना हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा? पहले आप उसको उधेड़िए। बोलिए। अगर आपको ये है, जैसे मैं कुछ लोगों को देखता हूँ बारिश में मोबाइल पॉलीथीन में लपेट के जेब में रखे रहते हैं, कहीं भीग न जाए। तो अगर फोन आ गया तो क्या करना होगा? पहले पॉलीथीन हटाएंगे, जेब से निकालेंगे, फिर उसको ऑन करेंगे, तब तो बात कर पाएंगे। बोलिए। यस सर। तो अगर मान लीजिए आपको आरएनए बनवाना ही हो डीएनए से, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? हिस्टोन प्रोटीन को रिमूव। आप उसे, आप लिखे कि if DNA is tightly coiled around histone protein, then no RNA synthesis and non-functional. बोलो भाई। Yes sir. Non-functional. ये non-functional क्यों? डीएनए का एकमात्र काम क्या? आरएनए बनाना। क्या करना? आरएनए बनाना।
उसके बाद का कार्यक्रम कौन करेगा, उसके बाद का कार्यक्रम कौन करेगा। कभी कभी देखो घर में जो है ना, घर में क्या होता है कि पेरेंट्स चिल्लाने लगते हैं चाय नहीं मिली, तो लोग कहते हैं कह देते एक बार तो मिल जाती, बनाना थोड़ी था। यानी डीएनए का काम सिर्फ आरएनए बनाना, उसके बाद तो अपना कार्यक्रम चलने लगेगा। बोलिए। यस सर। डीएनए का काम सिर्फ आरएनए बनाना है, उसके बाद फिर कार्यक्रम चलने लगेगा। तो ये बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, टू सिंथेसाइज आरएनए, क्या बनाना, आरएनए बनाना। अगर हिस्टोन के साथ टाइटली अटैच्ड होगा तो आरएनए फॉर्मेशन नहीं होगा, आरएनए बनेगा नहीं बनेगा, आरएनए ही नहीं बनेगा। डीएनए को क्या कहोगे आप, नॉन फंक्शनल कॉल्ड हेटरोक्रोमैटिन। कुछ याद आया मोहिनी? क्रोमैटिन में लिखाया है कुछ टाइटली क्वाइल्ड होता है उसे क्या कहते हैं, हेटरोक्रोमैटिन। तीसरा लिख रहा हूं, और फॉर आरएनए सिंथेसिस द डीएनए मस्ट बी ओपन कहने के बजाय मैं दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं, मस्ट बी लूजली क्वाइल्ड। सबके पास एनसीईआरटी की किताब है? यस सर। एकदम नई ताजी फ्रेश है ना सर? यस सर। इसका मतलब अगर एकदम सही सलामत किताब है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब जब पढ़ो एनसीईआरटी की किताब जब पढ़ो तो सारे पेजेस निकल के बिखर जाते हैं। यस सर। बोलिए। यस सर। अगर किताब लूजली अरेंज है तो इसका मतलब फंक्शनल है, और अगर टाइटली बाइंडेड है बढ़िया से रखी हुई है तो नॉन फंक्शनल। फिर से बताइए, डीएनए अगर लूजली अरेंज है तो इसका मतलब फंक्शनल है, आरएनए बना रहा है, और अगर टाइटली अरेंज है तो इसका मतलब आरएनए नहीं बना रहा। सॉरी। तो लूजली क्वाइल्ड कॉल्ड यूक्रोमैटिन। तो डीएनए के पैकेट को कहते हैं क्रोमैटिन, डीएनए के पैकेट को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, डीएनए के पैकेट को कहते हैं क्रोमैटिन। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्लियर करिए कि डीएनए के पैकेट्स दो तरह के हैं, एक हेटरोक्रोमैटिन और एक यूक्रोमैटिन। द फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड non functional part is called heterochromatin. दोनों की पहचान कैसे होगी, loosely coiled and tightly coiled. बोलिए। Yes, loosely coiled and. चौथा पॉइंट एक और लिखे, RNA synthesis is called transcription. RNA synthesis is called transcription. क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब मुझे बताइए, एंड पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, और डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलो एक बात बताओ, ये बताओ कि ये है क्या कह रहे हैं कि, और ये है टाइटली क्वाइल्ड, ये लूजली क्वाइल्ड। बताओ ये क्या है, यूक्रोमैटिन।
ये क्या है हेट्रोक्रोमैटिक हेट्रोक्रोमैटिक सही लिख रहा है यस सर ये कैसा है टाइटली क्वाइल्ड ये कैसा है लूजली क्वाइल्ड यहाँ पे आरएनए नहीं बन रहा है यहाँ पे आरएनए बन रहा एक बात बताओ हेट्रोक्रोमैटिन में आरएनए बनेगा ही नहीं या बन रही रहा है कभी बन भी सकता है बोलो भाई कभी बन भी सकता है बन भी सकता है एम आई राइट संस्कृति संस्कृति बोलिए यस सर ये बना नहीं रहा है कि बना ही नहीं सकता बना नहीं रहा है हो सकता आगे कभी डीएनए ओपन हो जाए तो बनाने लगे बोलिए यस सर जैसे आप लोग हैं पढ़ नहीं रहे हैं क्या पढ़ ही नहीं सकते दिमाग ही नहीं है ये तय कर लो पढ़ नहीं रहे ये तो मुझे समझ में आ रहा है अब दो बातें जैसे घर में भी लोग लाते हैं तो कहते हैं पढ़ते नहीं हो कभी ये कहा कि नालायक हो पढ़ने लायक ही नहीं हो नो सर बोलो भाई नो सर क्लियर है यस सर चलिए तो मैं दो स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ वो दोनों स्टेटमेंट बताइएगा और नो No transcription on heterochromatin. जब कभी पेरेंट्स समझाते हैं घर पे तो कहते हैं बेटा हम जानते हैं तुम अच्छा कर सकते हो दोस्तों के चक्कर में बर्बाद हो गए हो लेकिन कर सकते हो अच्छा वही मैं लिख रहा हूँ नो ट्रांसक्रिप्शन ऑन हेट्रोक्रोमैटिन But transcriptional genes are present. बोलो सही कह रहे हैं कि नहीं? Yes sir. मैंने कहा क्या? Transcription नहीं हो रहा. कभी-कभी जब parents ज़्यादा कुछ कहने लगते हैं घर में, तो लोग challenge करते हैं. ठीक है, देख लीजिएगा आपकी number. इसका मतलब क्या? एकदम साफ इशारा कर दिया कि जब हमारा मन करेगा तो हम पढ़ेंगे आसान है ऐसा नहीं है कि हम नालायक हैं पढ़ नहीं सकते आप है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा लेकिन ट्रांसक्रिप्शनल जीन्स आर प्रेजेंट चलिए तो एक क्वेश्चन बता देते हैं ट्रांसक्रिप्शनल जीन्स आर Present on. पहला ऑप्शन है यूक्रोमैटिन दूसरा ऑप्शन है हेट्रोक्रोमैटिन तीसरा ऑप्शन है बोथ है बोलो भाई बोथ बोथ आगे लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे बोलिए yes, sir. आपको जरूरत लग रही है कि आगे मैं कुछ लिखूं? No, sir. नहीं ना तो इसका मतलब ये है लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग ऑन यूक्रोमैटिन तब क्या कहोगे हैं तब यूक्रोमैटिन ओनली ओके यस सर तो ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग ऑन बाकी यार ऐसी बातें होती हैं कि आपको जैसे दोस्त अक्सर कहते हैं तुम पार्टी नहीं देते हो समोसा नहीं खिलाते हो तो आप चैलेंज करते हैं ऐसा नहीं है कि हम खिला नहीं सकते बस खिला नहीं रहे बात सही है नहीं सही कह रहे हैं मोहिनी यस सर तो मतलब मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं और ये तो मैं आप मेरी बात समझ गए कि ट्रांसक्रिप्शनल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ चलिए यहाँ पे एक फाइनली एक छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए की पैकेजिंग करना आप कहोगे क्यों भाई अब जाहिर सी बात है डीएनए जब इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल है आप जानते हैं हमारी ये एक सेल है ये हमारी ये ह्यूमन सेल है इस सेल का डायामीटर कितना है -10^-6 meters कितना है
हमारी एक सेल का डायमीटर कितना? 10^-6 इसके अंदर जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए की लंबाई 2.2 meters. अब बताओ 10^6 meters का डीएनए, 10^-6 है जो है मीटर्स का डायमीटर, इतनी छोटी सी सेल और उसमें 2 meter लंबा डीएनए रखना, तो कैसे रखोगे भाई बता दो? रैप करके रखेंगे, लपेट के छोटा करके, बोलिए। यस सर। भाई धागा बड़ा सा होता है, उसको हम रील बना देते हैं इस तरह से लपेट के, तो इसी को कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग करनी, राइट ना? तो आप यहाँ पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और लिखे कि इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस डीएनए इज ए प्रॉपरली DNA is properly packed into chromatin. DNA is properly packed into chromatin. एकदम proper packaging होती है chromatin के form में. और really करना क्या है ये बता देते हैं. Where condensation, आपकी समस्या क्या है बता देते हैं. condensation in length of DNA is फिर से बताइए आपकी समस्या क्या है ये बताइए. DNA को पैक करने को क्यों कह रहे हैं आप? DNA को पैक करने क्यों क्या? सेल इतनी छोटी सी, DNA इतना बड़ा सा, DNA लंबाई में इतना ज्यादा, तो हम चाहते हैं उसको लपेट के छोटा करके कहाँ रख दें? सेल के अंदर. तो उसको आप, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्रोमेटिन. उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्रोमेटिन. और एक्चुअली आपने क्या किया है ये बताइए. एक्चुअली आपने कंडेंसेशन इन लेंथ ऑफ डीएनए किया है. सही मायने में आपको क्या करना था? उसका डायमीटर कम करना था या उसकी लंबाई कम करनी थी आपको? बोलिए. लंबाई कम करनी थी. क्यों भाई लंबाई कम कर? डायमीटर तो डीएनए का क्या था? 10^-9 और सेल का डायमीटर 10^-6. तो डायमीटर को लेके तो समस्या थी ही नहीं. समस्या किसको लेकर थी? लेंथ. तो वही लेंथ हम लपेट के छोटा करना चाह रहे थे. तो कंडेंसेशन इन लेंथ और इज पहला पॉइंट लिख रहा हूं. इज और मैं कंडेंसेशन दो तरह से करूंगा. पहला is by histone protein primarily, primary जो है वो histone protein से है. primarily histone protein forming nucleosome पे अभी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे. दूसरा फर्दर, एक बार लपेट लिया फिर दोबारा लपेट रहे हैं. एक बार लपेट लिया, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन अभी भी इतना छोटा नहीं हुआ, तो फिर उसको दोबारा लपेट रहे हैं. जैसे मान लीजिए जब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपको कोई हैंडबिल मिलती है तो आप क्या करते हैं? पहले उसको यूं लपेटते हैं, फिर यूं लपेटते हैं, फिर एक बार और लपेटते हैं,
तो इसका मतलब एक बार में आपने कम किया, फिर और लपेटा, तो पहली बार आपने किसकी मदद से डीएनए की लंबाई कम किया था, किसके चारों तरफ डीएनए को लपेटा था, बोलिए। हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन पर लंबाई कम हो गई, लेकिन मुझे थोड़ा और कम करना, मुझे थोड़ा और कम करना, तो हिस्टोन प्रोटीन के, तो फर्दर फर्दर कंडेंसेशन, फर्दर कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ, फर्दर कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इसको शॉर्ट में लिखेंगे HSCP, और हिस्टोन प्रोटीन को शॉर्ट में लिखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन को शॉर्ट में लिखेंगे HSCP, हिस्टोन प्रोटीन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, HCP, HCP क्या बोलो भाई पूरा नाम, हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, और हिस्टोन के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनके क्या नाम है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, और फॉर्मिंग ये क्या बनाएंगे, फॉर्मिंग सोलेनोइड, क्या बनाते हैं, सोलेनोइड, और तो सोलेनोइड बनाते हैं, तो मेन तो मुझे ये टॉपिक पढ़ना है न्यूक्लियस। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए हुआ क्या, ये है डीएनए का मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिएगा, ये है डीएनए का मॉलिक्यूल, और ये डीएनए का मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर, डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर। अब क्या हुआ कि हमने ये हिस्टोन प्रोटीन के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए, ये हिस्टोन प्रोटीन के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए और इसके चारों तरफ डीएनए को यूं लपेटना शुरू कर दिया, डीएनए को, बताइए डीएनए की लंबाई पहले से कम हुई कि नहीं हुई, बताते चलिए, निशा कम हो गई, किसके चारों तरफ लपेट दिया मैंने, किसके चारों तरफ, हिस्टोन प्रोटीन के, बताइए डीएनए के सबसे पहले लंबाई कम किया था किसके, किसकी मदद से, हिस्टोन या नॉन हिस्टोन की मदद से, हिस्टोन प्रोटीन। ये जो स्ट्रक्चर है इतनी, दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं जो इतनी स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जल्दी से बताइए न्यूक्लियोसोम बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व है, हिस्टोन प्रोटीन और उसके चारों तरफ लिपटा हुआ क्या, डीएनए। जल्दी से ये सेंटेंस पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है, कि डीएनए की लंबाई कम करने के लिए सबसे पहली मदद मैंने किससे ली थी, बोलिए भाई कोई तो बोले, स्नेहा, हिस्टोन प्रोटीन से, क्या बनाया था, सोलेनोइड या न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। अब ये पूरी स्ट्रक्चर ये मैंने लिया एक पाइप, किसका पाइप लिया, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का ये मैंने पाइप लिया, और ये इस पूरी स्ट्रक्चर को ये इसके चारों तरफ लपेट दिया। बताइए ये सोलेनोइड हो गया, किसी पाइप के चारों तरफ लपेटने को क्या कहते हैं, सोलेनोइड, फिजिक्स में पढ़ा था, क्या कहते हैं उसे, सोलेनोइड। तो ये सोलेनोइड मॉडल बन गया, सोलेनोइड। अच्छा डीएनए की लंबाई और कम हुई कि नहीं हुई, यस सर, जैसे जैसे आप लपेटते जाएंगे डीएनए की लंबाई वैसे वैसे क्या होती जाएगी,
कम होती है। बोलिए। यस सर। फिर से बताइए। प्राइमरी कंडेंसेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए ड्यूरिंग पैकेजिंग बाय मींस ऑफ हिस्टोन या नॉन हिस्टोन? हिस्टोन। सरीश। हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। एंड द फर्दर कंडेंसेशन इन लेंथ बाय नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जब हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व था क्या बनाया था? सोलिड या न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम। और एनएचसीपी की मदद से क्या बनाया? सोलेनोइड। सोलेनोइड। सोलेनोइड बनाया। सही कह रहे हैं? यस सर। बोलो भाई। यस सर। ओके है ना, ये बात क्लियर है। चलिए एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर और ये जरा एक चीज और देख लेते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को अगर मैं इस ये जो स्ट्रक्चर है इसको पूरा माइक्रोस्कोप में देखूं तो कैसा दिखेगा? एक बॉल के ऊपर एक थ्रेड लिपटा। ऐसा लगेगा जैसे एक बड़ी सी रस्सी हो और ये बीच बीच में गांठे हो। बोलो भाई। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो क्या पूरे स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है बड़ी सी रस्सी और बीच बीच में जगह जगह क्या हो? गांठे। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेगा, एक लाइन आप यहाँ पे सुनिए कि न्यूक्लियोसोम्स ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर लुकिंग और लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बोलो भाई। यस सर। लिखा है कि कोई बड़ी सी रस्सी और उसमें जगह जगह क्या गांठे। और ये सवाल आपसे एक दर्जन बार पूछा गया है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग किसके लिए यूज करते हैं आप? सोलेनोइड के लिए कि न्यूक्लियोसोम के लिए? न्यूक्लियोसोम के लिए। न्यूक्लियोसोम के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यूकैरियोट्स में कि प्रोकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स। बोलिए। यस सर। यूकैरियोट्स। अभी मुझे एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर पढ़नी, लेकिन उससे पहले मैं दूसरी बात करना चाह रहा था। सुनिए, इन प्रोकैरियोट्स ओके, पहला आप लिखेंगे हिस्टोन कॉमा करके क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम कॉमा करके क्रोमैटिन एब्सेंट। बताइए लंबे से डीएनए को पैक करने के लिए यूकैरियोट्स में क्या था? हिस्टोन प्रोटीन थी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन थी, और जो संरचना जो पैकेट बनता था उसे क्या कहते थे? क्रोमैटिन। और ये बताओ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे? बोलो भाई। नहीं बनेंगे न्यूक्लियोसोम्स। नहीं बनेंगे तो क्रोमैटिन कहा जाएगा इसे? क्रोमैटिन। तो ये बताइए ये क्या ये एक सेंटेंस कभी आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम्स होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। चलिए दूसरी बात बताइए, तो फिर सेल में डीएनए कैसे होता होगा? क्या इस सेल के अंदर डीएनए ऐसे बिखरा रहेगा? यूकैरियोटिक सेल में पैकेट बना के है, इसकी सेल में कैसे होता होगा डीएनए?
गोला बनाकर हैं सर गोल कैसे बना के लूप ठीक है लिखे के इन प्लेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन प्लेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं पाई जाती इन प्लेस ऑफ हिस्टोन सम अदर बेसिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट सम अदर बेसिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट सम अदर बेसिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट कुछ और बेसिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं कॉल्ड पॉलीएमाइंस कॉल्ड पॉलीएमाइंस बट डू नॉट फॉर्म लेकिन ये प्रोटीन्स न्यूक्लियोसोम नहीं बनाते न्यूक्लियोसोम नहीं बनाते एंड एंड डीएनए इज And DNA is arranged in loops. DNA is arranged in loops. क्या मतलब हुआ भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने न्यूक्लियोसोम तो नहीं बनेगा ये तय है पॉलीएमाइंस पाई जाती हैं हिस्टोन नहीं पाया जाता उसकी जगह कौन सी प्रोटीन पाई जाती है पॉलीएमाइंस लेकिन पॉलीएमाइंस पाई तो जाती है क्या न्यूक्लियोसोम बनाती है नहीं। इसका मैं कॉमन सा एग्जांपल दूं जब आप कोई रस्सी का बंडल खरीद के लाते हैं मार्केट से तो बड़ा डिजाइनर पैक्ड होता है वो लपेटा बड़ा बढ़िया सा होता है इधर उधर करके और मशीन से लपेटा जाता है आप जब उसे खोल देते हैं उसके बाद क्या आप वैसा ही लपेट सकते हैं क्या नो सर नहीं तो क्या करेंगे फिर आप उसका यूं इस तरह से लूप बनाते हैं और किसी हैंगर पे टांग देते हैं किसी हैंगर पे टांग देते हैं तो सेल के अंदर डीएनए बिखरा नहीं है ये लूप बना के ऐसे है हाँ क्रोमेटिन नहीं है हिस्टोन नहीं है न्यूक्लियोसोम नहीं है लेकिन फिर भी बिखरा नहीं है तो अब मैं आपसे सवाल क्या पूछूंगा बताइए प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए इज अरेंज्ड इन न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म दूसरा ऑप्शन क्रोमेटिन तीसरा ऑप्शन लूप्स चौथा ऑप्शन स्कैटर्ड क्या करोगे आप लूप्स लूप बोलिए माने का लूप लूप्स लूप्स के फॉर्म में अरेंज होता है ये बात प्रोकैरियोट्स की हो गई और ये चलिए एक बार और लौट के बात करते हैं न्यूक्लियोसोम्स पे न्यूक्लियोसोम्स पे न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम ऑल्सो कॉल्ड न्यू बॉडीज ऑल्सो कॉल्ड न्यू बॉडीज इनका एक नाम और है क्या कहते हैं इन्हें न्यू बॉडीज न्यू बॉडीज आजकल लोग शॉर्ट में नाम लेने लगे हैं ना बोलो भाई आजकल लोग बहुत शॉर्ट में नाम लेते हैं कोई पूरा नाम नहीं लेता तो इसीलिए न्यूक्लियोसोम्स को न्यू बॉडीज कह दिया शॉर्ट में नाम में बोलिए भाई सही कह रहे हैं yes, yes, sir. पहले लोग क्या कहते थे पिताजी कहते थे फिर डैडी कहने लगे फिर डैड कहने लगे कहीं आने वाले दिनों में कोई कहने नहीं लगे मिस्टर डी तो आजकल नाम बड़े शॉर्ट में चल रहे हैं बोलो yes, sir. तो ये कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बोलिए नो बॉडीज कहते हैं तो दिस इज नो बॉडीज कहते हैं नो बॉडीज के स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं नो बॉडीज के स्ट्रक्चर बताता हूँ ये है हिस्टोन प्रोटीन का वो ब्लॉक जिसके चारों तरफ डीएनए लपेटना है और ये है इसके चारों तरफ लिपटा हुआ डीएनए पौने दो टर्न कितना डीएनए पौने दो पूरा दो टर्न नहीं पौने दो टर्न वन थर्ड फोर्थ इसको कहते हैं कोर कहते हैं ये जो डीएनए है दिस इज कॉल्ड
कोर डीएनए जो लिपटा हुआ है इसको कहते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए जरा एक बार देख के बताते हैं, ये चारों तरफ लिपटा हुआ है, ये चारों तरफ, और बीच में ये डीएनए, ये वाला डीएनए, ये डीएनए एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के काम आ रहा, इसी का क्या नाम रखा, लिंकर डीएनए। तो ये हो गया लिंकर डीएनए। और ये जो लिंकर डीएनए होता है इसके साथ एक मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन का जुड़ा रहता है, एक मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन का, और ये जुड़ा रहता है। तो ये हो गया कोर, ये हो गया कोर डीएनए, ये हो गया लिंकर डीएनए, और ये भी क्या है, हिस्टोन का मॉलिक्यूल है। क्या है, हिस्टोन का मॉलिक्यूल। हमें लगता है इसके कैलकुलेशंस वगैरह मुझे करने हैं ढेर सारे, आज तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वी हैव टू ड्रॉप द क्लास एट दिस मोमेंट। और हम ये, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन हो बोलो भाई। नो सर। नहीं है ना, चलिए ओके। हम ऑफ करें? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.